con Pete. अब बताओ, आंख ने देखा, पैर गए तोड़ा, हाथ ने खाया, मुंह ने स्वाद लिया, जीभ ने रखा, पेट ने, और पिटी पीठ। तो दूसरा जो साथ में था उसने, महाराज ये तो बड़ा गलत बात, और करे अपराध को और पाप फल भोग, कोई करे और भरे कोई, ये तो बड़ा गलत होता है, और आप कहते हैं भगवान करता है वो अच्छा करता है। तो संत ने कहा ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग फॉर लाइफ, अधूरा ज्ञान जीवन के लिए हानिकारक होता है, समझो इसे भाई। पीठ पिटी जरूर, लेकिन रोया कौन, रोया कौन, बोले आंख, और देखा किसने तो सबसे पहले। तो जिसने किया उसी ने भरा प्यारे, दूसरे को नहीं मिल सकता, ये ध्यान रख। को उन को सुख दुख कर दाता, को उन को सुख दुख कर दाता, को उन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर मैं भोग सब भाता, निज कृत कर मैं भोग सब भाता, निज कृत कर मैं भोग सब भाता, निज कृत कर मैं भोग सब। कोई दूसरा कारण नहीं है, ध्यान रखना। तो गोकर्ण ने कहा ठीक है फिर करेंगे कुछ। तो गोकर्ण ने महाराज, जब नहीं कोई समझ में आई बात तो सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य की गति को रोक दिया जब, तो आकाशवाणी हुई और किसी योगनिष्ठ ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत सत्कर्म करने की बात कही। तो गोकर्ण ने जो है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करा और एक वैष्णव ब्राह्मण को उसका मुख्य श्रोता बनाया। सूर्य महाराज के कहने के अनुसार आयोजन की विधि को किया। सात गांठ का एक बांस गाड़ा गया। ये सात गांठ का बांस क्यों गाड़ा जाता है? सात दिन कथा हुई, पहले दिन एक गांठ चट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इसलिए सात दिन में इस तरह सात गांठें चटक गई और सातवें दिन दुंदकारी मुक्त अवस्था में सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की जय, गोकर्ण महाराज की जय हो। ये सात गांठें जीव की सात आसक्तियां हैं। ये सात आसक्तियां ही जीव को संसार के बंधनों से मुक्त नहीं होने देती। सबसे पहली आसक्ति है नारी की, स्त्री की आसक्ति। दूसरी आसक्ति है पुत्र की आसक्ति। तीसरी आसक्ति है व्यवसाय की आसक्ति। चौथी द्रव्य की आसक्ति। पांचवी कुटुंब की आसक्ति और छठी घर की आसक्ति और सातवीं समाज और संबंधियों की आसक्ति। ये सात आसक्तियां जीव को कभी बंधन से, क्लेशों से मुक्त नहीं होने देती।
और जैसे ये सात आसक्तियां जीव की छुटती हैं, वैसे ही वो दिव्य बन जाता है, परम भागवत बन जाता है। दुंदकारी को लेने के लिए विमान आया। गोकर्ण ने पूछा, महाराज कथा तो सारे श्रोताओं ने सुनी, लेकिन विमान केवल दुंदकारी के लिए क्यों आया? कथा तो सबने श्रवण की। तो विष्णु के पार्षदों ने कहा, कथा तो सबने श्रवण की महाराज, लेकिन कथा के श्रवण के भेद के कारण फल में भी भेद हो गया। ये बैठे तो यहां रहे, लेकिन इनका मन कथा में नहीं रहा। बैठे तो यहां रहे, व्यक्ति को वही माना जाता है जहां उसका मन रहता है। ध्यान रख, इसलिए कथा को मन लगा करके श्रवण किया जाना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। कभी कभी होता है बैठे कहीं होते हैं ना, उससे मतलब में कभी कभी घर में बैठे होते हैं और घर में पास में खड़ा हुआ बच्चा, मम्मी सुन नहीं रही मम्मी, लेकिन मम्मी पता नहीं कहां घूम रही है। बैठी जरूर वहां, लेकिन घूम का रही है, इसका कोई मतलब नहीं। तो बात यह है ना कि हम कभी कभी होते कहीं हैं, लेकिन मन से कहीं होते हैं, और जहां मन होता है वहीं हमारा होना माना गया है। इसलिए कथा का श्रवण पूरे मन से करना चाहिए, और कथा का श्रवण ही नहीं, संत तो कहते हैं जहां रहे वो पूरे रहो, हम पूरे नहीं कहीं रह पाते, ये भी एक विडंबना है। तो विष्णु के पार्षदों ने कहा, महाराज अदर्णम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। महाराज अदर्णम च हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं रहता होता वो नष्ट हो जाता है। अदर्णम च हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं रहता वो नष्ट हो जाता है। और जो श्रवण कथा का श्रवण मन लगाकर नहीं किया जाता है, उस कथा का श्रवण का फल भी कोई नहीं मिलता है। संदिग्धो हतो मंत्रो, और जिस मंत्र में संदेह हो जाता है उस मंत्र का कोई फल नहीं मिलता है। व्यग्र चित्तो हतो जपा, और जो जप मन लगाकर नहीं किया जाता है उस जप का भी कोई फल नहीं मिलता है। फिर क्या करें महाराज? तो इसका उपाय बताया है पार्षदों ने, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वयस्मन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथा या मनीषलामती। मनोदोष जयश्चैव, मन के दोष पर विजय प्राप्त करके। मन का दोष क्या है महाराज? मन का दोष है चंचलता, एक जगह टिकता नहीं है। इस पर रुकावट करनी होगी, इसको रोकना होगा, तभी कथा श्रवण का फल मिलेगा। तो मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति, विश्वासो गुरु वाक्येषु, और जो गुरु पर अटूट विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, गुरु पर दृढ़ विश्वास, दीनत्व भावना कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, परम अपराधी हूं, अघी हूं, दुष्ट हूं, मलिन हूं, दीन हूं, ऐसा सोच करके कथा का श्रवण जो करता है, गुरु के वाक्यों में गुरु पर पूरा विश्वास रखते हुए जो दीनत्व भाव से अपने मन को एकाग्र करके कथा में मति को लगा करके, अपनी बुद्धि को लगा करके जो 7 दिन तक कथा का श्रवण करता है, उसको कथा का पूरा फल मिलता है। फिर क्या करें महाराज? बोले अब दोबारा भागवत करो आप, और ये श्रोता पुनः सुने मन लगा करके, तब इनको यही फल मिलेगा। तो गोकर्ण ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और सारे श्रोताओं ने मन लगा करके पूरे मन के साथ कथा का श्रवण किया और भगवान प्रकट हुए। सारे लोग सदैव भगवान के विमान में बैठ करके बैकुंठ धाम को पधारे। लुबांके बिहारी लाल की जय हो।
इस तरह प्यारे भगवान के शरण में अपने को समर्पित करके अपना आत्मकल्याण किया। जो जीवन जो समय निकल चुका है प्यारे वो तो निकल चुका है, लेकिन जो शेष रह गया है उसको विवेक पूर्वक और सतमार्ग पर चलते हुए भगवत शरण में यदि लगाओगे तो जीवन का कल्याण होगा। अभी तक जो मोह रूपी निशा में सो करके जो अज्ञानता की रात्रि में जो आपने सो करके अपने समय को बर्बाद किया है, यदि सच्चा सुख चाहते हो, यदि इस अपसेट दिमाग को सेट करना चाहते हो, यदि तनावों से मुक्ति चाहते हो प्यारे, यदि आत्म शांति चाहते हो तो मेरे शांति धाम से लगना पड़ेगा, मेरे शांति धाम से जुड़ना पड़ेगा, मेरे ठाकुर से जुड़ना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, जो गतम न सोचाम, जो निकल गया उसे छोड़ करके और अब जगना पड़ेगा, अब जगना पड़ेगा। राही जागो हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, राही जागो अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल सांस, अपने जीवन की अनमोल सांस, व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। जीवन की अनमोल सांसें, व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। अपने जीवन की अनमोल सांसें, सतगुरु की शिक्षा भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रोही चुके हो। जागो हुआ अब सवेरा,
पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, वही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, रही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, रही जागो हुआ अब सवेरा। रही जागो हुआ अब सवेरा। हरि बोल। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, रही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, अपने राधे अपने जीवन की अनमोल सांसें, अपने जीवन की अनमोल सांसें, अपने जीवन की अनमोल सांसें, व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा। मनबा चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। मनबा चल वृंदावन धाम, रटेंगे वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। राधे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। मनोबा चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। मनोबा चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। नाम जपेंगे हरि बोल, तब सुंदर श्याम मिलेंगे। जब राधा नाम जपेंगे, तब सुंदर श्याम मिलेंगे। जब राधा नाम जपेंगे, राधे, तब सुंदर श्याम मिलेंगे। जब राधा नाम जपेंगे, तब सुंदर श्याम मिलेंगे। लेंगे हरि बोल, लेंगे कीर्तों को थाम, लेंगे राधे राधे। मन
वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे मनवा चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे मनवा चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे श्री राधे तालियों की सेवा करते हुए जय जय जैसा कि आपने श्रवण किया धुंधकारी अपने कर्मों से महा पिशाच बन गया। कथा ये संकेत करती है, ये सिद्धांति निष्कर्ष देती है कि व्यक्ति को जीवन में भूल करके भी न तो कोई दुष्कर्म करना चाहिए और न ही एक क्षण भी कुसंग करना चाहिए। जैसे एक छोटी चिनगारी आग का रूप धारण कर समस्त घर को जला करके राख कर देती है, ऐसे ही छोटी सी छोटा सा एक क्षण का कुसंग और उससे उत्पन्न एक छोटा सा अवगुण बढ़ते 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 वो व्यक्ति को महापातकी बना सकता है, महापतन में डाल सकता है। गोस्वामी जी तो यहां तक लिखते हैं कि यदि एक क्षण का नरक हमें देने के लिए कहे परमात्मा और एक क्षण का दुष्ट का साथ, तो एक क्षण नरक मांग लेना चाहिए
लेकिन एक क्षण दुष्ट का साथ नहीं, क्योंकि एक क्षण का नरक तो काट करके आप मुक्त हो जाएंगे उस नरक से, लेकिन एक क्षण का दुष्ट का साथ जाने कितने जन्मों तक नरक की व्यवस्था कर दे ये कोई पता नहीं। इसलिए एक क्षण भी दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए, कोई भी दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी प्रारब्ध संचित नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को किए हुए प्रारब्ध का फल भले ही इस जन्म में न मिले, लेकिन उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में कभी न कभी उसे अपना प्रारब्ध अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी प्रारब्ध का निर्माण न करें, हम कहीं जाएं कुछ भी करें, जैसे 1000 गायों में और बछड़ों में भले ही बछड़ा अपनी मां को न ढूंढ पाए, लेकिन गाय अपने बछड़े को जरूर ढूंढ लेती है। ऐसे ही प्रारब्ध हम चाहे जहां चले जाएं, कितने भी जन्म हमारे क्यों न हो जाएं, लेकिन प्रारब्ध हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत बहुत सज्जन लोगों पर बड़ी बड़ी आपत्ति पड़ जाती, तो लोग कहने लगते हैं महाराज जी तो बड़े सज्जन थे, ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इन पर इतनी बड़ी आपत्ति कैसे आई, इनको इतना कष्ट क्यों मिला। तो उन्होंने इस जन्म में कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वो साथ लगा हुआ था, वो अवश्य भुगतना पड़ता है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा दो बच्चों का जन्म हुआ, तो दो बच्चों का जन्म हुआ तो एक बहुत निर्धन परिवार में उसने जन्म ले लिया, एक ने बहुत पूंजीपति के यहां जन्म ले लिया। तो जन्म लेते ही दोनों ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे एक जन्म लेते ही निर्धन बन गया, एक जन्म लेते ही धनवान बन गया। ये उसका प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध उसने संचित किया है, जो पूर्व जन्म के जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही इस जन्म में दोनों को अलग अलग फल के रूप में अलग अलग जन्म मिला। इसलिए भूल करके न तो कभी कुसंग करे और न कभी दुष्कर्म करे। अब शनकादि कहते हैं नारद जी कथा को वहां पर कराना चाहिए जहां कोई बहुत अच्छा तीर्थ हो, तीर्थे बाप बने बाप, अथवा कोई वन हो अथवा कोई तीर्थ हो अथवा अपना घर हो। तीर्थे बाप बने बाप गृहे वा श्रवणम मतम, इन तीन जगहों में ही कथा कराना चाहिए, लेकिन इन तीनों इस जगहों में विशाला वसुधा यत्र, जहां पर जगह कोई कमी न हो, पर्याप्त जगह, विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थल, वहां पर कथा का स्थल करना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज जी ठीक कथा की तो बात हो गई, लेकिन कथा श्रवण कैसे करना चाहिए। तो शनकादि कहते हैं नारद जी लोक वित्त धनागार पुत्र चिंता विदुष्यचा, लोक मीन संसार की चिंताओं को छोड़ करके, धन की चिंताओं को छोड़ करके, अरे हमारा बड़ा नुकसान हुआ जा रहा है, मैंने कल बताया ना था कि व्यक्ति को सबके लिए समय है, सबके लिए समय है, लेकिन केवल यदि समय नहीं है तो परमात्मा के लिए नहीं है, भगवान के लिए नहीं है, जिसने सब कुछ दिया है उसी के लिए समय नहीं है, तो फिर वो हंसता है ठाकुर हमारा, कहता है देखो हमने
हमने ही इसे शरीर दिया, हमने ही इसे सब कुछ दिया, हमने ही सारे संसाधन उपलब्ध कराए और इसके पास हमारे लिए समय नहीं है, तो फिर वो ऐसा समय निकलवाता है प्यारे कि फिर समय भी निकलता है, धन भी निकलता है, सब कुछ निकल करके सामने आ जाता है। क्योंकि जब कोई घर में बीमार पड़ता ना और ज्यादा गंभीर पोजीशन होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं बस महाराज बचा लो, किसी तरह बचा लो, पैसे की चिंता मत करना, आप पैसे की चिंता मत कर, बस बचा लो। फिर समय भी और धन भी सब जाता है, कुछ नहीं रुक पाता। ये तभी तक रुकेगा जब तक परमात्मा की कृपा है, उसकी इच्छा है प्यारे। इसलिए संसार की चिंता को छोड़कर, धन की चिंता को छोड़कर, पुत्र परिवार की चिंताओं को छोड़कर के कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा चित्त शुद्ध मति, शुद्ध मति से कथा, शुद्ध हृदय से, पवित्र हृदय से कथा का श्रवण करना, का श्रवण करना चाहिए। शलभित फलमोत्तमम, वही इस कथा का, उसे ही इस कथा का फल प्राप्त होता है, वही इस कथा का फल पाता है। और इस कथा के द्वारा व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मिल न सके। ऐसा नहीं है कि कथा श्रवण करने से मात्र आत्म कल्याण ही होता हो, कथा श्रवण करने से जीवन बदलता है, दिशा बदलती है जीवन की, दशा बदलती है जीवन की, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो भी सारी की सारी पूरी होती हैं। चारों पुरुषार्थों को परमात्मा प्रदान करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों कथा से प्राप्त होती हैं। ऐसा शनकादिक कहते हैं। उसके बाद मंगलाचरण करते हैं। व्यास जी महाराज मंगलाचरण, मंगल है जिसका आचरण, जिसका आचरण मंगलमय है, ऐसे का ही मंगलाचरण होता है, उसका ही अनुसरण करते हैं लोग। इस तरह धर्म का प्रतिपादन करते हैं, धर्म के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं शौनक जी, धर्म वही है, वही धर्म है जिसमें परमात्मा का प्रेम हो। जिसमें परमात्मा की भक्ति नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर धोक्षजे, अहे तुक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। निष्कपट भगवत प्रेम ही धर्म है। भगवान के चरणों में निष्कपट, निश्चल, शुद्ध मति से, शुद्ध हृदय से जो प्रेम होता है वही सच्चा धर्म है। और जितने भी कार्य हैं कोई धर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता हो, लेकिन जहां परमात्मा का प्रेम नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता, कुछ भी हो। इसके बाद सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब संसार में बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, दुष्टों का प्रभाव बढ़ जाता है, भक्त परेशान होने लगते हैं, त्रस्त होने लगते हैं, सारी वैदिक क्रियाएं, सारे संस्कार दूषित होने लगते हैं, तब तब परमात्मा अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करके भक्तों की रक्षा करता है। इसी क्रम में पहला अवतार भगवान का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में हुआ, दूसरा शूकर के रूप में,
तीसरा नारद के रूप में, चौथा नर नारायण के रूप में, पांचवा कपिल भगवान के रूप में और छठा दत्तात्रेय के रूप में परमात्मा का अवतार हुआ, सातवां यज्ञ के रूप में, आठवां ऋषभदेव के रूप में, नौवां पृथु के रूप में और दसवां अवतार परमात्मा का मत्स्य के रूप में हुआ, ग्यारहवां अवतार भगवान का कक्षप के रूप में, बारहवां धन्वंतर के रूप में और तेरहवां मोहिनी और चौदहवां अवतार भगवान का नरसिंह भगवान के रूप में हुआ, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की। पंद्रहवां अवतार भगवान का वामन के रूप में, सोलहवां अवतार परशुराम के रूप में, सत्रहवां अवतार व्यास जी के रूप में और अठारहवां अवतार भगवान का श्री राम के रूप में हुआ, उन्नीसवां अवतार श्री कृष्ण के रूप में, बीसवां अवतार बलराम के रूप में, इक्कीसवां बुद्ध, बाईसवां कल्क, तेईसवां हंस और चौबीसवां अवतार भगवान का हयग्रीव के रूप में हुआ। इस तरह सूत जी भगवान महाराज कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, जब सारे भक्त त्रस्त होने लगते हैं, तो परमात्मा अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करके भक्तों की रक्षा करता है। सौनक जी कहते हैं महाराज, इस भागवत संहिता का निर्माण कैसे हुआ और परीक्षित जी ने अपनी सारी संपत्ति को, सारे राज्य को छोड़ करके, व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए असंतोष का कारण खोज रहे थे, उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया, आसन दिया, आदर सत्कार किया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप बड़े असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो व्यास जी ने कहा, महाराज मैंने चार वेदों की रचना की, चार वेदों की रचना की, 17 पुराण मैंने लिख दिए हैं, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया है, वेदांत ग्रंथ मैंने लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन प्रभु मुझे शांति नहीं मिली, मेरा चित्त अशांत है, ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा, व्यास जी तुमने किया तो बहुत कुछ, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया। व्यास जी ने कहा, महाराज हमने इतना किया, वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, फिर भी हमने जो करना नहीं चाहिए था वो नहीं किया, ऐसा कौन सा कार्य महाराज जो हमने नहीं किया? Tell me.